नमस्कार सैजिटेरियस सैजिटेरियस से थोनू राशि मैं सुरेश कौर ट्रिपल एस हिंदी टैरो से। तो आज हम सैजिटेरियस से धनु राशि की 72 आवर्स करंट फीलिंग वाली जनरल लव रीडिंग करेंगे। जनरल है तो आप पर रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, तो जिस पर जितनी रेजोनेट होती है प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। ये रीडिंग अगले 5 से 7 दिन के लिए वैलिड हो सकती है और सन साइन मून साइन दोनों से देखी जा सकती है। अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई हैं, वहां जाकर चेक कर सकते हैं। कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट है तो व्हाट्सएप मैसेज के जरिए उसे क्लियर कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसमें हम देखेंगे कि जो सैजी हैं उनके और उनके जो पर्सन हैं वो एक दूसरे के लिए फीलिंग क्या रखते हैं। वो जो सैजी के पर्सन हैं वो सैजिटेरियस वालों के लिए क्या सोचते हैं तो वो देखेंगे। फिर सैजी क्या सोचते हैं, वो सैजी के लिए अगले 72 आवर्स में क्या एक्शन लेंगे उनके पर्सन और इसकी जो गाइडेंस है वो क्या रहने वाले हैं। तो सैजिटेरियस के पर्सन क्या सोच रहे हैं देखते हैं। किंग ऑफ वॉन्ड्स, 10 of Cups एंड द फूल। सैजिटेरियस जो आपके पर्सन हैं उनको लगता है, वो महसूस कर रहे हैं कि उन्हें अभी इस रिश्ते में एक दूसरे बुद्धिमानी और समझदारी के साथ खुली आंखों से एक दूसरे से बात करके या फिर किसी ऐसे पर्सन से बात करके कि जो इस रिश्ते में आगे बढ़ाने की बात कर सके, जो इस रिश्ते को जानते हैं, मतलब बुद्धिमानी और समझदारी के साथ आपको एक्शन लेने की जो आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हैं, वो एक बिगनिंग एक शुरुआत करने के बारे में सोच रहे हैं। क्योंकि वो महसूस करते हैं कि जब से उनका सैजी के साथ रिश्ता बना है तो वो उनकी तरफ काफ़ी अट्रैक्टेड हैं, उनका उनकी तरफ काफ़ी रुझान है, काफ़ी अट्रैक्टेड लगते हैं वो, काफ़ी जो भी वो महसूस करते हैं कि जो सैजिटेरियस हैं वो जो भी काम करते हैं बड़ी सफाई से करते हैं, बड़ी खूबसूरती से करते हैं, तो आपका काम करने का तरीका उन्हें बहुत अच्छा लगता है। तो इसलिए वो आपसे अभी भी इस रिश्ते में खुशियां चाहते हैं, हैप्पीनेस चाहते हैं, मेल जोल बढ़ाना चाहते हैं, एक फैमिली एक परिवार इस रिश्ते में को बनाने के बारे में सोच रहे हैं। तो इसमें वो खुली आंखों से समझदारी के साथ और बुद्धिमानी के साथ एक बिगनिंग एक शुरुआत करना चाह रहे हैं ताकि ये रिश्ता सूरज की तरह चमक सके, नेम और फेम हो सके, घर बनना, घर बसना, लाइफ टाइम्स आपके साथ स्पेंड करना, ये सब वो सोच रहे हैं आपके साथ। और हो सकता है कि बहुत कुछ केसेस में जो सैजी के पर्सन हैं वो बहुत जल्दी बच्चे की किलकारी भी चाहते हैं, आंगन में बच्चे वो चाहते हैं कि अगर ये रिश्ता स्टेबल हो जाता है, खुशियों में तब्दील हो जाता है, दोबारा से शादी में कन्वर्ट होता है तो बहुत जल्दी उनके आंगन में बच्चे भी खेल सकते हैं। तो वो इस रिश्ते को एक नया मोड़, नया अंजाम देने की तैयारी में है, दोबारा से इस रिश्ते को एक बिगनिंग एक शुरुआत के साथ शुरू कर रहे हैं। तो देखते हैं कि आप सैजी आप अपने पर्सन के लिए क्या फीलिंग रखते हैं, आप उनके लिए क्या महसूस करते हैं। एस ऑफ कप्स, 5 of Swords एंड 3 of Swords। तो अभी आप मन से दुखी हैं काफ़ी, क्योंकि इस रिश्ते को लेकर शायद पास्ट में काफ़ी परेशानियां दिक्कतें रही हैं, आपका मन दुख रहा है, आप हर्ट से आपका हार्ट दुख रहा, आप नेगेटिव भावनाओं से अब भी गुजर रहे हैं, उस दर्द से अब भी गुजर रहे हैं जो शायद आपको लगता है कि आपके पर्सन ने आपको दिए हैं। तो उन चीज़ों से सबसे पहले आप उभरना चाहते हैं, हालांकि आप अपने इमोशंस को काबू में करते हुए एक जो अपॉर्चुनिटी यूनिवर्स दे रहे हैं उसके साथ आप आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन अभी इस रिश्ते में काफ़ी माइंड गेम मैनिपुलेशन चल रही है तो आपकी ईगो हर्ट हो रही है। तो अभी आप कोई बिगनिंग कोई शुरुआत करते इसमें नहीं दिखाई दे रहे हैं, आपको लग रहा है कि जब ये ईगो ख़त्म हो जाएगी, ये ईगो बैटल ख़त्म हो जाएंगे, मैनिपुलेशन माइंड गेम खेलना बंद हो जाएगा और आपका दिल दुखना मन दुखना बंद हो जाएगा और पोजीशन ठीक हो जाएगी, हर चीज़ ठीक हो जाएगी, तो आप इसमें बिना इमोशंस में बहे यूनिवर्स
जो अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, तो आप महसूस कर रहे हैं कि उसको एक्सेप्ट करते हुए आप एक बिगनिंग, एक शुरुआत करना चाहते हैं, एक न्यू ब्रांड बिगनिंग इस रिश्ते में करना चाहते हैं, लेकिन अभी आप रुके हुए हैं क्योंकि अभी इसमें माइंड गेम मैनिपुलेशन चल रहा है, तो इसलिए आपकी ईगो हर्ट हो रही है। तो आप वेट कर रहे हैं कि चीज़ें कब ठीक होंगी और कब इस रिश्ते में एक न्यू ब्रांड बिगनिंग होगी और यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स मिलेंगी। तो देखते हैं कि अगले 72 आवर्स में जो सैजी के पर्सन हैं वो सैजी के लिए क्या एक्शन लेंगे, क्या सैजी के पर्सन अगले 72 आवर्स में कोई एक्शन लेते दिखाई दे रहे हैं, या फिर इसमें कई केसेस में ये भी हो सकता है कि वो नए मतलब इस रिश्ते से दूर हटकर, क्योंकि उनकी माइंड गेम है, मैनिपुलेशन है, उनका दिल दुख रहा है, मन दुख रहा है, नेगेटिव भावनाएं उनके दिल में आ रही है, तो कुछ केसेस में वो यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ एक नए रास्ते की तरफ, एक न्यू ब्रांड बिगनिंग करना चाहते हैं, मतलब नई डायरेक्शन में जाने के बारे में भी कुछ केसेस में वो सोच सकते हैं। कुछ केसेस में वो इसी में बिगनिंग करेंगे जब माइंड के मैनिपुलेशन ठीक हो जाएगी, ईगो हर्ट होनी बंद हो जाएगी, और कुछ केसेस में वो इस नई अपॉर्चुनिटी के साथ एक नई बिगनिंग दूसरे तरफ शुरुआत के बारे में भी सोच सकते हैं। तो इसकी जो देख लेते हैं कि क्या जो सैजी के पर्सन हैं वो कोई एक्शन लेंगे अगले 72 आवर्स में। तो इसका कार्ड आया है जस्टिस, फोर ऑफ पेंटिकल्स एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स। तो ये जो रिश्ता है, इस रिश्ते में जस्टिस मिल रहा है, न्यायप्रिय रिश्ता हो रहा है। तो जो सेजिटेरियस जो आपके पर्सन है वो इन चीज़ों में जो कुछ जो लोग हैं जो इस रिश्ते को ख़राब कर रहे हैं, कुछ चीज़ें हैं, कुछ बातें हैं, कुछ ओवर थिंकिंग है, ओवर कंट्रोल है, कुछ ऐसी चीज़ें जो इस रिश्ते में परेशानी दे रही है, तो उन चीज़ों को ख़त्म करते हुए आप एक दूसरे से माफ़ी मांगकर, आपको लगता है कि अगर किसी ने कोई गलती की ही नहीं है तो एक दूसरे से माफ़ी मांग लेते हैं और इस रिश्ते में जस्टिस मिलना चाहिए, यूनिवर्स से आप प्रार्थना कर रहे हैं कि यूनिवर्स उनकी लाइफ में जस्टिस लाए, और आप जो एक्शन है वो आप यही एक्शन लेना चाह रहे हैं इस रिश्ते में, कि भले ही वो एक दूसरे को पहले से जानते हैं लेकिन एक फ्रेंडशिप लेवल से, जैसे कि वो कभी एक दूसरे से मिले ही नहीं हैं, तो एक बिगनिंग के साथ, एक नई शुरुआत के साथ इस रिश्ते को शुरू से शुरू करना चाहते हैं, एक बिगनिंग, एक शुरुआत इस रिश्ते में करना चाहते हैं। जो बाधाएं, जो परेशानियां, जो दिक्कतें इस रिश्ते में आई हैं, जो ईगो हर्ट हो रही है, जो मन दुख रहा है, जो दिल दुख रहा है, उन सब बातों को भुलाते हुए, उन सब चीज़ों को आप महसूस कर रहे हैं कि उन सब चीज़ों को ख़त्म करके जो अगर समय रहते इस रिश्ते में एक्शन लिया जाता है और एक अपने पर्सन के साथ आप एक बिगनिंग, एक शुरुआत कर लेते हैं, तो आपको लगता है कि इस रिश्ते में उन्हें जस्टिस ज़रूर मिलेगा, न्याय ज़रूर मिलेगा, खुशियां वापस ज़रूर आएंगी, ये रिश्ता एक हो सकता है। तो इस जो जिस चीज़ से आपके उन रिश्ते नातों को, उस पैसे को, उस ओवर थिंकिंग को, ओवर कंट्रोल को, जो आपसे चिपकी हुई थी, जिसकी वजह से बाधाएं, परेशानियां, दिक्कतें आ रही थी, उन सब चीज़ों को आप ख़त्म करके एक फ्रेंडशिप लेवल से, नए लेवल से शुरू कर रहे हैं इस रिश्ते को। तो यही आप एक्शन चाह रहे हैं कि इस रिश्ते को शुरू से शुरू किया जाए अपने आदमी, अपने पर्सन के साथ मिलकर, और इस रिश्ते में उन्हें न्याय मिले, जस्टिस मिले, अगर किसी से कोई छोटी मोटी गलती हुई भी है तो एक दूसरे से माफ़ी मांग लें और आगे कोई भी ऐसा काम ना करें जो उन्हें यूनिवर्सिटी उनके साथ बैकफायर करे। तो उन सब चीज़ों से बचते हुए वो इसमें एक बिगनिंग, एक शुरुआत कर रही है। एक ये एनर्जी जो है नई हो सकती है या फिर इमैच्योर एनर्जी हो सकती है, लेकिन यंग एनर्जी के साथ मिलकर एक बिगनिंग, एक शुरुआत करने के बारे में इसमें वो एक्शन ले रहे हैं। उनके साथ घूमना फिरना, मौज मस्ती करना, डेट्स पर जाना, उनके साथ खुशियां मनाना और खाना खाना, ये सब चीज़ें वो यही एक्शन वो इस रिश्ते में लेते दिखाई दे रहे हैं या शुरू होता दिख रहा है यही एक्शन। तो इसकी गाइडेंस देखते हैं क्या रहेगी
एस्ट्रोलॉजी के लिए गाइडेंस क्या रहेगी देखते हैं। यूनिवर्सिटी कार्ड में प्लीज सैजी पर्सन के लिए गाइडेंस क्या रहने वाली है, उन्हें क्या करना चाहिए अभी। द डेविल, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स एंड किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। तो जो यूनिवर्सिटी गाइड करना चाहते हैं या फिर कह सकते हैं कि ये जो आपके लिए जो गाइडेंस है वो यही है कि जो इस रिश्ते में ओवर कंट्रोल हो रहा है, ओवर थिंकिंग हो रही है, जो चीज़ें आपके किसी काम की ही नहीं है और इस रिश्ते को टॉक्सिक बनाया जा रहा है, तो उस नेगेटिविटी को सबसे पहले आपको छोड़ने की ज़रूरत है। एनवायरनमेंट को साफ सुथरा बनाएं। अगर आप थर्ड पार्टी सिचुएशन में है या कोई तीसरा पर्सन इस रिश्ते को ख़राब कर रहा है या कोई आपके अंदर ऐसी एडिक्शन है जो गैम्बलिंग हो सकती है, ड्रिंकिंग, स्मोकिंग या प्लेइंग कार्ड्स या जो भी नेगेटिविटी है, किसी नेगेटिव लोगों की संगत में रहने की है, तो उन सब चीज़ों को ख़त्म करें आप सबसे पहले। जब तक आप उन चीज़ों को ख़त्म नहीं करेंगे तो रिश्ता आगे नहीं बढ़ सकता। तो यूनिवर्स यही गाइड करना चाह रही है कि सबसे पहले उन चीज़ों को ख़त्म करें जो इस रिश्ते को टॉक्सिक बना रहे हैं, जो इस रिश्ते में बाधाएं, परेशानियां, दिक्कतें दे रहे हैं और इस रिश्ते में एक तरफा डिसीजन ना लेकर दोनों तरफ के पक्षों की बातें सुने, इसमें दोनों तरफ की का डिसीजन लें और क्लियर कट कम्युनिकेशन करें। अगर फ्यूचर को अच्छा बनाना है, सिक्योर बनाना है, मजबूत बनाना है, जो रिलेशन है उसको मजबूत बनाना है, कोई परेशानी कोई दिक्कत आप सोचते हैं कि ना आए लाइफ में, तो क्लियर कट कम्युनिकेशन चाहते हैं, आमने सामने खुल कर बातें करें और जो भी परेशानी दुविधाएं हैं चाहे उसके लिए थोड़ा सा आपको रूढ़ बनना पड़े, कठोर बनना पड़े, एक दूसरे के प्रति सख्त मिजाज अपनाना पड़े, चाहे आपको दुख हो या आपके पर्सन को दुख हो, किसी को भी इसमें दुख होता है दोनों में से, तो चाहे भले ही उन चीज़ों से आपको गुजरना पड़े लेकिन ये रिश्ता क्लियर हो सकता है। अगर आप तो यूनिवर्स ये चाहते हैं कि आप इसमें क्लैरिटी लेकर आए, क्लियरिटी के साथ, ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ इन सब चीज़ों को, टॉक्सिक सिचुएशन को, इन बाधाओं को, परेशानियों को, इन एडिक्शन को ख़त्म करके एक दोनों पक्षों की बात सुनते हुए आप आगे बढ़ें। ये रिश्ता काफ़ी पावरफुल हो सकता है, खुशियों भरा हो सकता है अगर आप इस नेगेटिविटी को ख़त्म कर देते हैं, इस एडिक्शन को ख़त्म कर देते हैं और क्लियर कट कम्युनिकेशन करते हैं, आमने सामने खुल कर बात करते हैं, तो ये रिश्ता आगे जाकर काफ़ी, जो इसका फ्यूचर है, काफ़ी अच्छा जा सकता है, काफ़ी हद तक चीज़ें ठीक हो सकती हैं और जो रिलेशन है वो मजबूत हो सकता है, नेम और फेम हो सकता है, दोनों तरफ से रिश्ते में खुशियां आ सकती हैं और एक फैमिली, एक परिवार, ये रिश्ता बन सकता है। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे फ्रेंड्स। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और अगर कमेंट्स देना शुरू नहीं किया तो प्लीज़ आज से एक पॉजिटिव कमेंट्स ज़रूर दें ताकि मुझे वीडियो बनाने में खुशी मिलती रहे और आसानी होती रहे। तो फिर नई वीडियो के साथ मिलेंगे फ्रेंड्स, तब तक के लिए नमस्ते, थैंक यू सो मच।